हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे कंप्यूटर का सेशन चला रहे हैं, लगभग सभी एग्जाम को आपको कवर करा के आप सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक वगैरह का RBI वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी सफिशेंट है। और आप स्टेट में चाहे पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, मतलब इस कंप्यूटर का जो सेशन जो सिलेबस रहता है उसमें लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। जो जितना भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया सभी आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और अभी तक हम लगभग कल मैं 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर पहले पार्ट से आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो अलग से मैं इसको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पार्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और जैसे हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पर सफिशेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए क्वेश्चन भी लगाते हैं और देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। जितना हो सके कंटेंट पे फोकस करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के यहाँ पे हम क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाता है आगे, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 600 एक क्वेश्चन है, 600 कंप्लीट करा चुका हूँ। कितना बाइट मिलकर जो है आपका 1 किलोबाइट बनाता है, याद रखिए कितना बाइट जो है आपका मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है आपका। 4096, 612, 1024 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको याद रखें। तो आपका लगभग 1024 बाइट है, तो 1024 जो बाइट मिलकर आपका 1 किलोबाइट बनाता है। तो आपका 1024 बाइट होता है, तो 1 किलोबाइट बनने के लिए आपका लगभग पहले 1024 बाइट होना जरूरी, तभी आपका 1 किलोबाइट होगा 1024। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? आप स्कूल के दिनों में भी बाइनरी डिजिट वगैरह पढ़े होंगे। तो बाइनरी नंबर या जो बाइनरी डिजिट होता है आपके नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 4, 1, 8 या 2? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाइनरी जो नंबर प्रणाली में कितने डिजिट होते हैं, तो आपका 2 डिजिट होते हैं आपका, ये दो होते हैं 0 और 1 आपका। इसको बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इसको द्विआधारी नंबर प्रणाली भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर बाइनरी नंबर प्रणाली या बाइनरी डिजिट पूछे, 2 आंसर लेना है। अगर द्विआधारी जो नंबर डिजिट या प्रणाली अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तब भी आपको डी आंसर लगा देना है। तो 2 रहता है 0 और 1, इसको याद रखिएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, या जो कंप्यूटर को जो लंबाई जो मापने का जो यंत्र होता है आपका क्या कहलाता है, या इस जो प्रणाली क्या कहा जाता है? तो बिट, मेगाबाइट, फाइल या बाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में जो आपको जो शब्द की जो लंबाई को किस में मापा जाता है, तो आपको बिट के माध्यम से मापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर में शब्द की जो लंबाई किस में मापते हैं, तो बीट से नापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट क्या है? तो आपके विशेष CD है, एक विशेषकर एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके कंप्यूटर गेम है, एक प्रकार का सर्किट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक गेट क्या होता है? तो एक प्रकार का आपका सर्किट होता है। लॉजिक गेट एक तरह का सर्किट होता है, अगर थोड़ा समझते हैं इसको। आपका जो एक प्रकार का सर्किट या लॉजिक गेट क्या होता है, तो आपके मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें आपके अंदर से यहाँ पे विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाह होता है, और यहाँ पे विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित करता है और देता भी है, और यहाँ पे मतलब कनेक्शन सही नहीं वजह से आपका रोक भी देता है विद्युत को, यही आपका लॉजिक गेट होता है। आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो लॉजिक गेट 5 प्रकार के होता है, अभी बताऊंगा। तो समझ के होंगे लॉजिक गेट ये आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है और अंदर से आप विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका लॉजिक गेट कहलाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा देखते हैं आपके लॉजिक गेट कितने प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं। ये रहा आपका लॉजिक गेट, इसको जो सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है, इसको सिंबल यहाँ पे दिए गए थे। कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। इसको OR गेट कहलाता है, पहला हो गया OR गेट। सेकंड आपका NAND टू गेट, या आपका NAND गेट कहलाता है, NAND गेट, या आपका NOR गेट कहलाता है। थर्ड और चौथा आपका AND गेट होता है, और पांचवा आपके
नॉट गेट होता है। तो पांच प्रकार के गेट होते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे लॉजिक गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। तो आपके जो लॉजिक गेट पांच प्रकार होता है, ओआर गेट, नांड गेट, नॉर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, यहाँ पे सिंबल है। तो आपके पांच प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, इसको याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो पांच प्रकार के होता है, बाकी इसको एक बार में क्लियर नहीं होता, एक बार और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है या किस रूप में हमको प्राप्त होता है? तो एनालॉग डाटा, वाट्स डाटा, मॉडेम डाटा या डिजिटल डाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर पर जो हम इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होती है, या इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्यूटर में जो स्क्रीन में दिया रहता है, तो हमको जो स्टोर किया जाता है आपके डिजिटल डाटा के रूप में हम इसको स्टोर करते हैं, प्राप्त होता है। डिजिटल डाटा क्या होता है? तो ये आपका जो कंप्यूटर के भाषा या तो सूचना को यहाँ पे जो सूचना यहाँ पे कंप्यूटर जो पढ़ती है, इसको या तो मशीन पढ़ सकती है, जो मशीन है या तो यह खुद पढ़ सकती है और समझ सकती है, यही आपका डिजिटल डाटा कहलाता है, याद रखिए। तो भाषा और जो सूचना होता है कंप्यूटर का, जो आपको मशीन पढ़ती है और समझती है, यही आपका डिजिटल डाटा है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो आपके डिजिटल डाटा के रूप में आपका स्टोर होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? कंप्यूटर का कौन सा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता हो? तो आपका नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी या एप्लीकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूटिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो मतलब जो जो प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है, तो आपके यूटिलिटी के माध्यम से होता है। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी आपका मतलब ऐसा कंप्यूटर जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम के तहत जो कंप्यूटर एनालाइजिंग, कंफ्यूजिंग, ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस ये जो करने में मदद करता है, यही आपका यूटिलिटी कहलाता है। करने कहने का आसान भाषा में बताऊँ तो यूटिलिटी जो आपके खास करके जो जो मेंटेनेंस संबंधित करती है, मतलब मेंटेनेंस बना के रखता है, यही आपका यूटिलिटी कहलाता है। यूटिलिटी जो होता है आपके मेंटेनेंस करने में बहुत ही मदद करता है। तो आपका जो यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर है, तो आपके मेंटेनेंस करने में मदद करता है यूटिलिटी। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर भाषा जो आपका जावा है, इसके आविष्कारक कौन है? सन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर भाषा जो जावा है, नाम सुने होंगे, तो जावा जो आपके जो जावा है आपके एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग PB लिख दिया हो, तो आपका जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके आविष्कारण जो आविष्कार कौन से कंपनी के द्वारा किया था? सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसके आविष्कारक कौन है? तो जेम्स जो गोस्टिंग है, याद रखिएगा जेम्स गोसलिंग है, अमेरिका के इंजीनियर है। तो इन्होंने इस जो जो आपका जो जावा है या आपका प्रोग्रामिंग भाषा को इन्होंने तैयार किया था। कंपनी पूछे तो सन माइक्रोसॉफ्ट लगाना है, इंजीनियर पूछे तो आपका इंजीनियर आपका जेम्स गोसलिंग सन 1995 में, तो सन 1995 में इन्होंने जेम्स गोसलिंग के द्वारा 1995 में जो सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किए गए थे, इंजीनियर आपके ये थे। तो इसको याद रखिए, जावा क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन भाषा, कोबोल भाषा, बेसिक भाषा या फोर्ट्रान भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर में लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर मशीन भाषा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। सारे कंप्यूटर में जो भाषा जो उपयोग होता है मशीन भाषा, मशीनी भाषा कंप्यूटर, सारे जो कंप्यूटर जो विकसित है आज हम उपयोग करते हैं, तो सारे कंप्यूटर मशीन भाषा उपयोग करते हैं सभी, एक कोबोल भाषा, बेसिक ये तरह की सभी ये भाषाएँ हैं, लेकिन जो कंप्यूटर जो समझती है वो आपका मशीनी भाषा कहलाती है, या इसको मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जो आधारभूत जो दो अंकों के प्रयोग से जिसको लिखी गई जो लिखी गई जो भाषा होता है आपका मशीनी भाषा है, जिसमें जो कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, तो ये आपका ये वाला डिजिट यहाँ पे एक कंप्यूटर में यही जो भाषा है आपका ये मशीनी भाषा के अंतर्गत आता है, जो कंप्यूटर समझ सकती है। तो इसको याद रख, कंप्यूटर के आधार भाषा इसको कहा जाता है, जो कंप्यूटर में इस तरह इसको लिखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, पास्कल, बेसिक, जावा या कोबोल? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा लैंग्वेज कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जावा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिए। तो इंटरनेट प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज जावा भाषा है, 1995 इसको तैयार किया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा 1995। अगर कंपनी पूछे तो आपका सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो आपका एक तरह का जो जावा है आपका प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। और जो जावा भाषा है जो आपके इंटरनेट में प्रयोग करने के लिए, इस कंप्यूटर लैंग्वेज है जो उपयोग किया जाता है, वही आपका जो करने के लिए इस जावा भाषा का उपयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रोग्राम में लाई जाती है, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर? तो यूनिक्स जो नामक जो ऑपरेटिंग जो प्रणाली सिस्टम है विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका वेब सर्वर में इसको लाई जाती है। तो यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है विशेष रूप से आपके वेब सर्वर प्रयोग में इसको लाई जाती है। यूनिक्स क्या होता है, तो 1969 में जो बेल के जो प्रयोगशाला में इसको तैयार किया था यूनिक्स को, और विकसित किया था आपके 1969 में, लेकिन इसको रिलीज कब किया था, तो 1971 में इसको बना के इसको रिलीज किया था, 1969 में इसको विकसित किया था, 1971 में इसको रिलीज किया गया था। तो ये एक तरह का आपका ऑपरेटिंग प्रणाली है, तो इसको याद रख, तो इसको वेब सर्वर में ऑपरेट करने के लिए इसको यूज के लिए इसको बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, कौन से जो आपके प्रोग्रामिंग जो भाषा है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो बेसिक भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन भाषा या आपका सी भाषा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन भाषा। तो मशीन भाषा बता चुका हूँ, ये आपके कंप्यूटर जो भाषा समझ सकती है वो आपका मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा है, तो खुद मशीन भाषा में ये आपका तैयार होती है, तो इसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खास करके जो मशीन भाषा है कंप्यूटर के आधारभूत यहाँ पे उसके हिसाब से इसको तैयार किया रहता है, तो मशीन लैंग्वेज मशीन भाषा जो आपके इसमें खुद ही इसको इसके हिसाब से इसको तैयार किया रहता है, जितने भी कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं सभी आपके मशीन लैंग्वेज से तैयार किया मतलब जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो मशीन जो है आपका इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, तो जो हाई लेवल का जो लैंग्वेज होता है ये आपका मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। हाई लैंग्वेज के अगर एग्जांपल की बात करूँ, तो हाई लैंग्वेज के एग्जांपल है आपका, पहला तो आपको बेसिक हो गया, सी प्लस प्लस, एग्जाम्पल को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक, सी प्लस प्लस और आपका लास्ट में आपका जावा, ये तीनों जो आपके अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपका बेसिक, सी प्लस प्लस और आपका जावा, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये आपका मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम के तहत हाई लैंग्वेज उपयोग के हाई लैंग्वेज के ये आपका सभी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखें तो आपका जो जो हाई लेवल का जो लैंग्वेज है इसको किस लिए इसको उपयोग में लाया जाता है, तो आपका जो किसी प्रोग्राम को विकसित करने के समय इसको उपयोग में हाई लेवल लैंग्वेज को लाया जाता है, कहने का मतलब जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह जैसे तैयार करना रहता है या विकसित करने के समय इसको हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंपाइलर एरर, मशीन एरर, लॉजिकल एरर या आपका डी है ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गलती एक एल्गोरिथम ये करेक्ट है जिसका गलत परिणाम निकलते हैं, ये आपका ये जो एल्गोरिथम होता है ये आपका लॉजिकल एरर कहलाता है, कंप्यूटर भाषा में इसको लॉजिकल एरर कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसके आविष्कारक कौन है, सन माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस्ट, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर भाषा में जो जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसको याद रखिएगा 1995 में। तो
तो सन 1995 में जो जेम्स जो गोसलिंग है इनके द्वारा 1995 में सन कंपनी पूछे तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसको तैयार किया था जावा को। जावा क्या है तो जावा आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसको याद रखें 1995 में जावा का आविष्कार किया था कंपनी सन माइक्रोसॉफ्ट, आविष्कारक इसके इंजीनियर जेम्स गोसलिंग, तो इन्होंने तैयार किया था इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सहायता से, तो इसको याद रखें। तो जावा आपका प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे किसका जो उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो मशीन लैंग्वेज उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पे किए गए थे, तो मशीन लैंग्वेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आपका मशीन लैंग्वेज बता चुका हूँ, जो कंप्यूटर भाषा जो समझती है उसको मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखें। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज यहाँ पे किए गए थे और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए इसको लाया गया था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।